हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं स्नैपड्रैगन 778G प्लस वर्सेस मीडियाटेक डिवेंसिटी 1100। बात की जाए तो स्नैपड्रैगन का जो अनाउंस डेट है वो अक्टूबर 2021 में, डिमेंसिटी का अनाउंस डेट है जनवरी 2021। स्नैपड्रैगन एक मिड रेंज क्लास में आता है, वह डिमेंसिटी फ्लैगशिप क्लास में आता है। मॉडल नंबर की बात की जाए स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर है SM7325AE एंड डिमेंसिटी का मॉडल नंबर है MT6891ZCZA। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं टॉपिक को आगे बता देता हूँ। इसमें आपको मिलेगा रिव्यू, बेंचमार्क, उसके बाद गेमिंग, सीपीयू, ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा एंड डिस्प्ले, लास्ट में होगा कनेक्टिविटी। तो वीडियो की स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे सीपीयू परफॉर्मेंस स्कोर के साथ। सीपीयू परफॉर्मेंस स्कोर में स्नैपड्रैगन का स्कोर है 61 में डिमेंसिटी का स्कोर है 62। स्लाइटली सा बेटर देखने को मिलेगा डिमेंसिटी 1100। गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग में स्नैपड्रैगन का स्कोर है 54 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 72। अगले रिव्यू में आते हैं, यहाँ पे बात करेंगे पावर कंजप्शन एंड दो बेंचमार्क की। तो यहाँ पे पावर कंजप्शन जो कि फैब्रिकेशन पे डिपेंड करता है, तो स्नैपड्रैगन का जो फैब्रिकेशन वो स्मॉल है जिसका स्कोर आता है 85 एंड डिमेंसिटी का है 84। नेक्स्ट बात करें एंटूटू की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर है 5,50,695 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 6,65,409। की तरफ आते हैं, यहाँ पे गीकबेंच दो पार्ट में, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन का स्कोर है 823 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 659। मल्टी कोर में यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर है 2,979 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 2,483। थ्री मार्क की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर है 2460 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 3981। यहाँ पे थ्री मार्क मिस ग्राफिक्स एंड गेमिंग के लिए आपको डिमेंसिटी काफ़ी बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। गेमिंग में बात करें स्नैपड्रैगन की, देखने को मिलेगा मोटोरोला S30 पे। डिमेंसिटी की बात करें तो पोको X3 GT पे देखने को मिलेगा। वैसे स्नैपड्रैगन 778G प्लस आपको नथिंग फोन 1 में भी देखने को मिल जाएगा। बात करें पबजी मोबाइल की, जहाँ पे मैक्सिमम रेट दोनों ही प्रोसेसर के साथ 60 देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर में HDR अल्ट्रा का भी सपोर्ट मिलेगा। सीडी मॉल की बात करते हैं तो मैक्सिमम रेट इसमें भी 60 एंड 60 का देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर के साथ आपको वेरी हाई के साथ वेरी हाई गेम देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर पे, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में दोनों प्रोसेसर ऑक्टो कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कोर की, तो 1 कोर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्राइड 670 प्राइम कॉर्टेक्स 78 होगा एंड नेक्स्ट 3 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स 670 गोल्ड कॉर्टेक्स 78 है एंड नेक्स्ट 4 कोर 1.9 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्राइड 670 सिल्वर कॉर्टेक्स 55 देखने को मिलते हैं। डिमेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे 4 कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स 78 होंगे एंड बाकी 4 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स 55 होंगे। डिमेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन क्लॉक है 2500 मेगाहर्ट्ज़ की पीक स्पीड पर, में डिमेंसिटी क्लॉक है 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पीक स्पीड पे। फैब्रिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फैब्रिकेशन दोनों प्रोसेसर का 6 नैनोमीटर पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन की बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। चाहते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स की तरफ, तो ग्राफिक्स में जीपीयू नेम स्नैपड्रैगन के जीपीयू का नाम है Adreno 642 एंड इसका आर्किटेक्चर है Adreno 600। वही डिमेंसिटी के जीपीयू का नाम है Mali-G77MC9, इसका आर्किटेक्चर है Volhol। फ्रीक्वेंसी क्लॉक की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन की फ्रीक्वेंसी क्लॉक नहीं है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G की थी 490 मेगाहर्ट्ज़। वही डिमेंसिटी की अगर बात की जाए तो इसका है 850 मेगाहर्ट्ज़। फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी देखते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स में दोनों ही प्रोसेसर का फ्लोटिंग पॉइंट्स अभी नहीं आया है। यहाँ पे मेमोरी टाइप की बात करें, स्नैपड्रैगन सपोर्ट करता है LPDDR5 रैम जिसकी रैम फ्रीक्वेंसी होगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की एंड डिमेंसिटी सपोर्ट करता है LPDDR4X रैम जिसकी रैम फ्रीक्वेंसी 4266 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। स्टोरेज टाइप सपोर्ट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन सपोर्ट करता है UFS 3.0, UFS 3.1 एंड डिमेंसिटी सपोर्ट करता है UFS 3.1। कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक में यहाँ पे दोनों प्रोसेसर जो है 4K का सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिमेंसिटी में 4K 60fps का सपोर्ट देगा। प्लेबैक की बात की जाए तो यहाँ पे डिमेंसिटी बेटर होगा जो कि 4K 60fps का प्लेबैक भी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले की बात की जाए, डिस्प्ले में स्नैपड्रैगन 2520x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा एंड सेम डिमेंसिटी भी 2520x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। बात करें कनेक्टिविटी में, यहाँ पे दोनों प्रोसेसर आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। अगर 4G की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन बेटर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि LTCAT 24 के साथ आता है, वहीं डिमेंसिटी LTCAT 19 के साथ आता है। ब्लूटूथ में यहाँ पे दोनों प्रोसेसर के पास ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे डाउनलोड स्पीड में डिमेंसिटी बेटर होगा जो कि 1600 Mbps की स्पीड देता है, जबकि अपलोड स्पीड में यहाँ पे स्नैपड्रैगन बेटर होगा 210 Mbps के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।